शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहाँ IBA मीरपुर खास कैंपस के असाज़ा तलबा और तलबात ने IBA सखर के प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सामन के कत्ल और कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर स्टेट लाइफ चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रेस क्लब के सामने मुजाहरीन से खिताब करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर आसिम, लेक्चरार इंतखाब पंवर, तलबा मोहम्मद सुफियान, अनूर शामिर, मुस्तफ़ा गुल अरूज और दीगर ने कहा कि डॉक्टर अजमल सामन का कत्ल इंसानियत का शऊर का कत्ल है। डॉक्टर अजमल सामन फ्रांस से आला तालीम हासिल करने के लिए अपने हमवतनों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए वापस अपने मुल्क के लिए आए और उनकी कबायली तनाज़े में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनकी कत्ल से हम सिंध के वासी तालीम के मामले में एक सदी पीछे चले गए हैं। इनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बालाई सिंध के 9 अजला जागीदारों और सरदारों के हवाले कर दिए गए। यही वजह है एक तालीम याफ्ता शख्स डॉक्टर अजमल सावंत को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अजमल सावंत का कत्ल एक बड़ा सानिया है। सिंध समेत पूरे मुल्क में डॉक्टर अजमल सावंत जैसा शख्स सदियों में पैदा होता है जिसका बुनियादी महवर अपना मुल्क और इसकी आवाम की तालीम है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल का नोटिस लेते हुए अवाम को तहफ़ फराम किया जाए और इनके कत्ल में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और बलाई सिंध में जागीदाराना, सरदाराना और कबायली निज़ाम का भी खात्मा किया जाए।